हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सौरभ टेक हब के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे स्पीड इंक्रीज करें अपने कंप्यूटर की टू डिफेगमेंट, कैसे हम डिफेगमेंट करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें कंप्यूटर की स्पीड के लिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे विंडोज़ में जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है या टाइप हेयर टू सर्च पे डाकर आप टाइप करना है डिफ्रैग, DEFRAG मैंट डिफेगमेंट। आप सर्च करेंगे तो आप ऊपर देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है डिफेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस पे। आपको जाना है और इस पर क्लिक करना है टू ओपन द एप्लीकेशन, क्योंकि हमें एप्लीकेशन ओपन करनी है उसके लिए। तो हमें सबसे पहले ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें चूज करना है ड्राइव, किस ड्राइव को हमें डिफेगमेंट करना है और हम उसको एनालाइज करेंगे पहले कि हम पहले हम माइक्रोसॉफ्ट का कह रहे हैं कि आप पहले इसको एनालाइज करें कि क्या हमारा स्टेटस है करंट हार्ड ड्राइव का, तो एनालाइज करके रिपोर्ट देगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइज पे जाना है। ऑप्टिमाइज करने में कुछ सेकंड्स लेता है, कुछ मिनट्स लेता है, डिपेंड अपॉन द स्पीड, मतलब कितना डेटा है हमारे कंप्यूटर में, कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ऑप्टिमाइज करने पे क्या करता है, डिफेगमेंट क्या करता है या ऑप्टिमाइज क्या करता है ये, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं या फिर कहीं घर पे हमारी जगह जगह पे सामान रखे होते हैं, उसको वो इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने के बाद वो हमारे डिफेगमेंट हमारा जो है एक जगह पे इकट्ठा करके हमें स्पेस और ला देता है हार्ड डिस्क के अंदर, जिसके कारण से जो हमारा परफॉर्मेंस होता है कंप्यूटर का वो हमारा इंक्रीज होता है। हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं डिफेगमेंट को, तो उसके लिए हमारा शेड्यूल हमारा ओन है और ये वीकली में ये डिफेगमेंट ऑटोमेटिकली करता है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम डेली करना चाहते हैं या वीकली करना चाहते हैं या मंथली करना चाहते हैं। उसकी सेटिंग्स के लिए हमें यहाँ पे जो है हमें ड्राइव को चूज करके हमें सेटिंग्स में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें डिफेगमेंट कंप्लीट हो गया है, हम इसके चेंज सेटिंग्स में जाते हैं बैकअप को चेंज करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सिंक्रोनाइजेशन जो शेड्यूल है वो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं डेली वीकली मंथली। मेरा जो सजेशन है वो मंथली का है, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर जो है ज़्यादा यूज़ होता है, आप डेली उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप वीकली जा सकते हैं। अदरवाइज आपका एक नॉर्मल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, तो आप मंथली जाकर उसको डेटा को कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिमाइज होगा मंथली के अंदर, जिससे कि जो हमारी जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी। लेकिन जो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स होती हैं हम उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी हमारी जो HDD हार्ड डिस्क होती है, जिसको आजकल हम बोलते हैं साटा हार्ड ड्राइव। तो वो हार्ड ड्राइव पे हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो RPM होता है वो हमारा लो होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारे जो रिक्वायर्ड होती है, हम जो कहते हैं कि विंडोज़ कंप्यूटर में जो चलती है सबसे ज़्यादा, वो हमारी चलती है HDD हार्ड ड्राइव, जिसके कारण से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है हमारी लो होती है, डाउन होती है, हम उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू SSD हार्ड ड्राइव्स में। सो आज का हमारा ये टॉपिक था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।